नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा कत्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर गो औरंगाबाद से। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई गो के द्वारा नियोजित शिक्षकों के वेतन और एरियर को लेकर रविवार को स्थानीय विधायक मनोज कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बॉबी के नेतृत्व में प्रखंड प्रवक्ता शंभू प्रसाद बारी, प्रखंड कोषाध्यक्ष कपिल कुमार विधायक से नियोजित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को बताते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों को लगभग 18 माह से 7वां वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है। 4 माह से वेतन नहीं मिला है, एरियर भी अधर में लटका हुआ है। नियोजित शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। दशहरा जैसे महान पर्व पर भी शिक्षकों की वेतन न मिलना विभाग की हिटलरशाही को दर्शाता है। गो प्रखंड के प्रवक्ता शंभू प्रसाद बारी ने कहा कि लाचार होकर संघ 3 अक्टूबर से धरना और 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। स्थानीय विधायक मनोज कुमार ने कहा कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अनशन नहीं करना पड़ेगा, अनशन से पूर्व ही तमाम नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर मैं जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से बात कर समस्या का निदान करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा। शंभू प्रसाद बारी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक औरंगाबाद जिला के 8,500 शिक्षकों का वेतन भुगतान अगर नहीं होता है तो 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शनिवार को ही दाऊदनगर अनुमंडल पदाधिकारी अनीस अख्तर साहब से भी संगठन के नेताओं ने मिलकर नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से उनको अवगत कराया। उनके द्वारा भी आश्वासन दिए। डीओ डीपीओ की लापरवाही की वजह से आज औरंगाबाद जिला के 8,000 शिक्षकों को 7वां वेतन फिक्सेशन जो हुआ आज तक नहीं मिला और न ही उनका एरियर का भुगतान हुआ। इस स्थिति को देखते हुए, चूँकि जीओबी का 4 महीने का भुगतान नहीं हुआ है और एसएससी वालों को 3 महीने से अभी तक शिक्षकों को भुगतान नहीं हुआ है, दशहरा जैसे महान पर्व में भी अभी तक इन लोगों का भुगतान नहीं करना एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। 3 तारीख से हम लोग आंदोलन की शुरुआत वीडियो कार्यालय के प्रांगण में प्रारंभ करेंगे, बीआरसी को भी बंद करेंगे। 3 तारीख को धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, डीओ और डीपीओ के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 4 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे और आमरण अनशन इसलिए करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा पूरा वेतन का भुगतान, 7वां वेतन एरियर का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। 7वां वेतन भुगतान और एरियर लेकर के रहेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षकों का पेमेंट लेना हमारा कर्तव्य बनता है, चूँकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो समय पर हम वेतन खोजेंगे। भाई, परिवर्तित प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि वो अनशन में नहीं जाए, और चूंकि आप लोगों ने 4 तारीख को अनशन का आमरण अनशन का आप लोगों ने निश्चय किया है और अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगर ये जिला के स्तर से मामला होगा तो हम लोग जिला के स्तर में बात करके आप लोग को आश्वस्त करना चाहेंगे ताकि आपको आमरण अनशन करने की जरूरत ना पड़े। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।